लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तेज आंधी बारिश से खरीफ की फसलें हुई बर्बाद, किसानों को पड़े लाले। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज क्षेत्र में 3 दिनों से हुई लगातार भीषण वर्षा के चलते किसानों के खरीफ की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी भरने से कटी हुई बाजरे की फसल सड़ने के कगार पर है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। बता दें कि महाराजगंज जिले क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से हो रही वर्षा के चलते किसानों को खेतों में पानी भरने के कारण फसल जलमग्न होकर डूब गई है। कोरोना काल की मार झेल रहा किसान अब कुदरत की मार झेल रहा है। इस वर्ष किसानों ने बाजरा उड़द की अच्छी फसल की पैदावारी की आशंका जताई थी। अच्छी फसल होने से उनके दुख दर्द मिटने की संभावना जता रहे थे, तभी कुदरत ने अपना कहर बरसा दिया। लगातार शनिवार शाम से बुधवार सुबह तक हुई बारिश के कारण किसानों का गणित बिगड़ गया है, जिससे फसलें बर्बाद हो गई हैं और किसान खून की आंसू रोने को मजबूर है। किसान दाने दाने को मजबूर होगा। आने वाली सरसों चना रबी की फसल में भी बुआई को देरी होगी। किसानों ने फसलों के नुकसान का आकलन कर मुख्यमंत्री से मुआवजे की गुहार लगाई है। यहाँ पर किसानों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। आज जितना फसल है सब बर्बाद हो चुका है और यहाँ पर सब किसान रोने के आधार पर पड़ रहे हैं। आप ऐसे में फसल बर्बाद हो चुका है तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि जो कि यहाँ किसानों के लिए कुछ सहयोग मिलना चाहिए। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।